हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज बैकग्राउंड डिजाइन बताएंगे, तो देख लीजिए मैंने अस्तर की कटिंग कर दी है। इसकी जो लंबाई रखी है वो मैंने 14 इंच रखी, इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 12 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्म होल की भी 6 इंच रखे हैं। अगर आप चाहें तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं, तभी गला जो है परफेक्ट आएगा। शोल्डर गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.7 इंच सॉरी, नीचे से 3 इंच पे रख रहे हैं मार्किंग। तो दोनों मार्किंग को बराबर करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, गले की लंबाई लेंगे। तो मैं 10.5 इंच रख रही हूँ, आपको जितना लेंथ चाहिए, डीप नेक चाहिए उतना मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से बराबर लाइन ड्रॉ कर दी है, गले की साइड से 1 इंच का एक मार्किंग करेंगे कॉर्नर से। फिर गले का शेप जो है मटके शेप में दे देंगे, इसको घड़ा शेप भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इसकी देखिए मार्किंग कर ली है, इसकी सेम कटिंग कर देंगे मार्किंग के ऊपर से ही। ये कटिंग हो चुकी है अस्तर की। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेना है आपको, और इसकी भी गले की सेम कटिंग कर दीजिए जैसे अस्तर की किया है। तो बिल्कुल बराबर रखते हुए देखिए अस्तर की ये फैब्रिक की भी गले की कटिंग पूरी अच्छे से कर दिया। दोनों को बिल्कुल बराबर रखने हैं आपको। एक दूसरे के बराबर रखने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को साथ में पहले स्टिच करेंगे। तो गले से आपको स्टिचिंग करनी है। तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से इन दोनों फैब्रिक को एक साथ में अटैच कर दिया है। अब इसके गले पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। तो पूरे गले पे छोटा छोटा कट मैंने लगा दिया, अब इसको पलट कर सीधा करेंगे। हाथों से थोड़ा पहले प्रेस कर दीजिएगा, फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए गले की पूरी फिनिशिंग दे देंगे। इससे डिज़ाइन जो है गले की उभर कर दिखने लगेगी। तो मैंने कम्प्लीटली ये फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। ब्लाउज को उल्टे साइड से फैलाएंगे बिल्कुल बराबर में, और साइड साइड से सिलाई लगाते हो इस तरह फैब्रिक को दोनों को एक साथ में अटैच कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं दोनों फैब्रिक को कैसे स्टिच कर रही हूँ एक साथ में, ऐसे आपको करना है। ये ब्लाउज की मैंने ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे की साइड इसमें टक्स लगाएंगे, तो बिल्कुल बराबर माप ले लीजिएगा। माप लेते हो दोनों साइड से बराबर में माप लेते हो, फिर इसका टक्स लगाइएगा। तो एक साइड से मैंने टक्स लगा लिया, दूसरी साइड से माप लेंगे और बराबर में टक्स को स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से टक्स बना दिया, नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये इसी में से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बॉर्डर बना दिया। अगर आप चाहें तो इसमें अलग से भी अस्तर का फैब्रिक ज्वाइंट करते हुए फिर नीचे का बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैंने देखिए ब्लाउज का कम्प्लीटली बॉर्डर बन चुका है, और ब्लाउज मैंने कम्प्लीटली पूरा ये बना दिया है। इसके गले पे आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे। ब्लाउज को साइड रखते हैं, और मैंने एक पट्टी कट की है। इसकी जो चौड़ाई रखी 1.7 इंच है, 1.5 इंच के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है आपको। फिर इस पट्टी को दोनों साइड से बराबर में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए बीच में फोल्डिंग करेंगे और सिलाई लगाते हुए इसको पूरा एंड तक स्टिच कर देंगे इसी तरीके से। एक साइड से पट्टी बना दिया है, इसके दूसरे साइड से भी सिलाई लगाते हुए एंड तक इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है आपको। ये दोनों साइड से मैंने इस पर सिलाई लगाते हुए बना दिया पट्टी को। अब इसको डिज़ाइन के लिए कट करेंगे, तो 1.5 इंच के बराबर इसमें माप लेंगे, और इसी बराबर में जितनी भी इसकी पट्टियाँ आ सके सबको फोल्ड कर देंगे। सबकी लेंथ जो है 1.5 इंच ही होना चाहिए, 1.5 इंच। अब इसको कटिंग करके दोनों साइड से इसको अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। तो मैंने इसको पूरा कटिंग करके एक साइड से अलग अलग कर दिया। इसको साइड रखते हुए फिर मैंने देखिए ब्लाउज ले लिया है। ब्लाउज गले पे पट्टियों से डिज़ाइन करेंगे जो लूप्स मैंने कटिंग किया है। अब जो ये पट्टी है इनका मैं फोल्ड करते हुए लूप्स बनाऊंगी डबल फोल्ड करके। फिर ब्लाउज भी नीचे की साइड से रखते हुए गले पे इसको अटैच करेंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी आपको गैपिंग भी रखते जाना है। इसी तरीके से गैपिंग रखते हुए पूरे गले पे इसको अटैच कर देना है आपको।
तो मैंने देख लीजिए कम्प्लीटली पूरा लूप्स बनाते हुए गले पे आपको अटैच करके दिखा दिया है। इस तरीके से बना लीजिएगा। अब जो मैं इसको साइड रखूँगी और मैंने देख लीजिए एक पट्टी कट की है। इस पट्टी की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच रखी है, 3.5 इंच। पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे और दोनों पार्ट्स को एक साथ में अटैच करके सिलाई लगा देंगे पूरा इसके ऊपर से। तो ये देखिए पट्टी को मैं कैसे बना रही, आपको समझ में भी आ रहा होगा। पूरा मैंने कम्प्लीटली इसको स्टिच करते हुए बना दिया है। अब जो ये पट्टी बनाई है इसका मैं फिल बनाऊंगी, तो फिल को कैसे बना रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्टाइलिश से डिज़ाइन दिखती है जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये डिज़ाइन आपकी बन जाएगी। तो मैंने ये देखिए कम्प्लीटली पूरा फिल बनाते हुए दिखा दिया है। ये फिल पूरा बन चुकी है, इसको मैं साइड रखूँगी। और मैंने देख लीजिए डिज़ाइन करने के लिए ब्लाउज अब ले लिया है। ब्लाउज गले भी फिल और ब्लाउज से गले भी देखिए अटैच करेंगे। तो कैसे मैं अटैच कर रही हूँ, बिल्कुल कॉर्नर से ही रखती हूँ। पूरे गले पे आपको स्टिच कर देना है फिल वाली डिज़ाइन को। तो ये देखिए कम्प्लीटली पूरा अटैच हो चुका है। एक्स्ट्रा जो है कट करके निकाल दीजिएगा। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ से मैं इसकी लेस यूज़ करूँगी। तो ये लेस ले लिया है, लेस को भी जहाँ से फिल वाली डिज़ाइन को अटैच किया सेम उसी जगह से रखते हो, लेस को भी स्टिच कर देंगे पूरे गले पे। ये देखिए पूरे गले पे स्टिचिंग कर दी है। अब जो मैंने लूप्स बनाई है इसमें मैं डिज़ाइन करूँगी, जिसके लिए मुझे डोरी यूज़ करनी है। तो मार्केट वाली डोरी यूज़ करी, अगर आप चाहें तो बना के भी डोरी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी लूप्स है सभी के बीच से एक एक डोरी डालते हुए एंड तक इसका पूरा डाल देंगे डोरी को। तो पूरा एंड तक मैंने ये डोरी डाल दी है, देख लीजिए। तो ये ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी, बनाने में अभी आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन मेरी कैसी लगी, जिससे मैं आपके साथ और भी ऐसे से डिज़ाइनर्स ब्लाउज की डिज़ाइन और अच्छी अच्छी डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।